जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। बेरोजगारी के अभाव में यहाँ के अधिकतर लोग आज भी बाहर पलायन करते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने आज तक पलायन और बेरोजगारी की समस्या को लेकर हल नहीं निकाला। यह बातें झारखंड आंदोलनकारी दिगंबर साह ने कही। वे क्षेत्र भ्रमण के दौरान फतेहपुर में कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन की रणनीति बना रहे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नाला विधानसभा होकर अजय बराज नहर गुजरी है, जो यहां 52 वर्षों से सूखी है। यदि अजय बराज नहर को गुलजार किया जाए, इसमें लगातार पानी छोड़ा जाए तो किसी यहां पलायन पर भी विराम लगेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। इस दिशा में हम लोग जल्द आंदोलन करेंगे। दिगंबर साह ने कहा कि इसके अलावा कई और भी व्यवस्थाएं हैं जिन मुद्दों को लेकर हम लोग जल्द ही आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर उनके साथ दर्जनों लोग साथ हैं। यही है और नाला में जो कैनल 52 वर्षों से सूखा पड़ा है, उसी के सिलसिले में जानकारी देने के लिए हम अपने लोगों को यहाँ आए थे। और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने भी नए वोटर हैं हमारे नाला विधानसभा में, सारे के सारे चेन्नई और बॉम्बे और कलकत्ता इन सब जगहों में, मद्रास इन सब जगहों में चले गए। तो यहाँ पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ अगर पानी नहर में नहीं आएगा तो यहाँ पलायन नहीं रुकेगा। और किसी भी दल और किसी भी नेता को ये ताकत नहीं है जो नाला को खुशहाल बना सकेगा। अगर कैनल में पानी नहीं आएगा तो नाला खुशहाल कभी भी नहीं हो सकता। जिस जाति और जिस धर्म से यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं हमारे झारखंड में, उन्हीं के लोग बंगाल में धान रोपने के लिए जाते हैं। और जिस जाति और जिस धर्म के यहाँ पे हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, उन्हीं के लोग बॉम्बे और चेन्नई चले जा रहे हैं। इसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है और हमने ये प्रण लिया है। और फतेहपुर हमेशा नाला क्षेत्र का अग्रणी जगह रहा है, इसलिए हम लोग सब मिल के नाला में कैसे बेरोजगारी दूर हो, पलायन कैसे रुके। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे टीके ग्राम का है। जमीन तो सरकार ले ली है, मगर अभी तक टीके ग्राम का कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं यहाँ के लोगों को आम मिल रहा है, नहीं जमीन वापस मिल रहा है और नहीं यहाँ पर हॉस्पिटल पुनर्निर्माण हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहेंगे फतेहपुर के लोग कि नाला कैनल के साथ साथ ये टीके ग्राम का भी मुद्दा हम लोग उठाएँ। या तो सरकार इसका पुनर्ई करे, स्थापित करे, जीर्णोद्धार करे, और नहीं तो जिसका जमीन है उसको वापस कर दे। इसी सिलसिले में आगे आज भी एसपीटी एक्ट में ये प्रावधान है कि आप जिसके वजह से सरकार ट्रांसफर नहीं कर रही, अधिग्रहण तो कर ली। एसपीटी एक्ट के बारे में अभी तक हमारे झारखंड के